गेम वगैरह में अपने आप को बिजी करता था, रोड पे मोहल्लों में जो आपको पता शॉप्स वगैरह के अंदर वीडियो गेम्स वगैरह, तो मैं दो दो तीन तीन घंटे वहाँ पे गुजारता था। तो मेरा बड़ा भाई मुझे मना करता था कि ना किया करो अपना टाइम, ना टाइम ज़ाया किया करो अपना। तीन चार दफ़ा उसने मना किया लेकिन लाला कहाँ किसी की सुनता है। तो ये मेरी ना सुनने पे लाला लाला है। तो खैर जब मेरे बड़े भाई ने तीन चार दफ़ा मना किया, मैं नहीं माना, और उसके बाद ऑब्वियसली पठान आदमी हाथ के अलावा तो कोई और काम नहीं है उसका, हाथ चलाने के अलावा। तो उसने मुझे एक दो अच्छी शॉटें मारी। उसके बाद मैं घर भागते हुए रोते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर जा रहा था कि यार मुझे क्यों मारा दोस्तों के सामने ये वो। लेकिन वक्त के साथ साथ गुजरते गुजरते आप कहते हो कि अच्छा किया कि मेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया, वरना मैं आज अपना टाइम उन्हीं फजूल लोगों के साथ गुजारता रहता, ना क्रिकेट का रहता ना किसी और चीज़ का रहता। तो कुछ चीज़ें वक्त के साथ थोड़ा सा अपने आप पे आप लोगों ने सख्ती गुजारनी है और उस चीज़ को अचीव करना जो चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, आपके बड़े होते हैं। हमारे आजकल के दौर में माहौल जो मैं देख रहा हूँ, टीचर की कोई तमीज़ कोई अदब सब खत्म हो चुका है, बिल्कुल उनको मजाक की तरह या दोस्तों की तरह लिया जाता है। टीचर्स आपके पेरेंट्स की तरह हैं, जिस तरह घर में आप लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं इस तरह टीचर्स की इज्जत करें। अच्छा, मैं दुनिया में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और जब ट्रैवलिंग होती है तो 5-star फैसिलिटीज़ भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं जितना भी दुनिया में घूमाऊँ मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत और ज़बरदस्त मुल्क हमें अल्लाह ताला ने कोई और दिए ही नहीं है। और ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से, मैं अगर अपनी फैमिली के साथ भी बच्चों के साथ भी बाहर ट्रिप पे होता हूँ, मैं 6-7 दिन के बाद इस मिट्टी के अंदर इतनी कशिश है कि मुझे खींच के वापस पाकिस्तान लेके आती है। इस मुल्क के लिए आपके बड़ों ने मेरे बड़ों ने बड़ी के मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। पहले हमारे पास मुल्क नहीं था तो हम एक कौम थे, आज मुल्क है तो एक कौम नहीं है हम। आज हम सिंधी हैं, पठान हैं, माजर हैं, बलोची हैं, हमें कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आता। हमें पाकिस्तानी बनना है, पाकिस्तान को लेके चलना है। मेरे लिए बहुत आसान था क्रिकेट खेल के आराम से बैठा रहूं, 10 दिन के लिए रोड ट्रिप पे निकला हूं, इस गर्मी में मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए जा रहा हूं, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह आगे 2-3 दिन में क्या पता मेरे बच्चे भी मेरे साथ इस ट्रिप पर होंगे। लेकिन मुश्किल काम है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग क्रिकेट, जब मैं खेल रहा था, बल्कि अभी भी खेल रहा हूँ यार, और जब क्रिकेट खेल रहा था तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो क्रिकेट खेलते हुए आप लोगों ने जिस तरह मुझे बर्दाश्त किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी भी कोशिश रही है कि कुछ छक्के मारूं, कुछ आउट करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा कहा, बहुत सपोर्ट किया मुझे, बुरा भला भी बहुत कहा, बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन कोई बात नहीं। तो उस चीज़ के लिए एक, जैसे अभी जिशान अफजल ने आप लोगों से बात की अबाउट लाला नेशन, मैं चाहता हूँ, मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि मुझे आप लोग प्लीज़ मेरी ये ख्वाहिश है आप लोगों से प्लीज़ कि जिस तरह आप लोग क्रिकेट में सपोर्ट करते रहें, मेरी ये सेकंड इनिंग में भी आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह बड़ा इंसान बनाएगा इंशाल्लाह हमें। तो इसमें मैं आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ, कौन कौन साथ देगा? मेरे ख्याल में पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही, वैसे ही हाथ खड़ा कर दो। मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले एक बात कहीं ना कहीं कर देता हूँ कि मैं अपनी बैटिंग की तरह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाल्लाह। काश मैं अपना दिल निकाल के दिखा सकता कि मैं कितना खुश हूँ इस बार। काश
आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, मैं डॉक्टर साहब का खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे। इसके अलावा अली तरीन, उन्होंने हमारे लिए जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, अली आप यहाँ नहीं है लेकिन थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग आए यहाँ पे। मैं और मेरी टीम काफ़ी मोटिवेट हुई है आपको देख के। हम जो काम करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारे पीछे होंगे, हमारे साथ होंगे, हम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स करने में कामयाब होंगे। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। क्रिकेट खेलना पाकिस्तान टीम के लिए एक ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह। एक कम उम्र से ख्वाब देखना शुरू किया कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। कब खेलना है बिल्कुल पता नहीं था मुझे, लेकिन मैंने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया हुआ था, मैं अपनी मेहनत करता था। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे जो पाकिस्तान का, आप लोग पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान का फ्यूचर है आप लोग, और इंशाल्लाह आप लोगों ने लाइफ के अंदर कभी भी शॉर्टकट प्लान ना कीजिएगा प्लीज। हर चीज टाइम लेती है और जिस चीज के पीछे मेहनत हो वो लंबी सक्सेस देती है आपको। तो जो चीज आप बनना चाहते हैं, जो आप लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, वो बगैर मेहनत के हासिल नहीं होगी। आप लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी डांटे खाई हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए, वो सारा कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसी मुश्किलात आएंगी जहाँ पे आपका जो विजन है, जो आप बनना चाहते हैं, उसमें आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अपने फोकस को कभी नहीं हटाइएगा प्लीज़। और ये जो आपकी एज है, ये कुछ करके दिखाने की, कुछ बनने की एज है। आपसे आपके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को। आपके टीचर्स आपके बड़े हैं, इनकी उसी तरह इज्जत करें जिस तरह आप लोग अपने वालदैन की इज्जत करते हैं। और मेरे ख्याल में दुनिया का नक्शा अगर उठा के देखा जाए तो पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क कहीं नहीं है दुनिया में। और बल्कि मैं तो इस चीज़ को भी हमेशा, मैं ये ड्रोन ऊपर करो भाई, तुम तो लोगों पे गिरा रहे हो उसको, इसका काम ही है ये लोगों पे गिरता है, इसको साइड पे करो। मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरत रहमान है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए उतारी गई है। जितनी नेमतें, जितनी पॉजिटिव मैसेजेस हमारे मुल्क के अंदर है, इस पाकिस्तान के अंदर है, जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी, वो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं है। अच्छा, हमारे लिए बड़ा इजी होता है किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, हम इजी है ना, हमें इजी लगता है दूसरे लोगों पे उंगली उठाना। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हम मैं से शुरू करें कि मेरा क्या रोल है एज अ पाकिस्तानी, तो हर चीज खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। हमें ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग अपने अपने सोच को, अपने गोल्स बड़े रखो। जैसा सोचोगे, जैसा गुमान रखोगे, वैसे फैसले होंगे। छोटा ना सोचे कि मुझे कोई 10, 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, नहीं, ये सोच बहुत नेगेटिव सोच है। बड़ा करने की कोशिश करें, बड़ा सोचेंगे, मेहनत करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अल्लाह आपको उसी तरीके से ही देगा। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, अल्लाह चाहे मुसलमान हो या ना, अल्लाह किसी इंसान की मेहनत ज़ाया होने नहीं देता। तो मेहनत करते रहिएगा, मदद करते रहे। अगर आपने कामयाब और बड़ा आदमी बनना है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ बात करूँगा जिससे मुझे फ़ायदा हो, आप लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। जिस दिन आपने एक नियत कर ली कि मैंने बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, अच्छा, वो अकाउंटों में पैसे जमा करने से और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घर पर खड़ी करने से बड़ा इंसान नहीं बनता। बड़ा इंसान बनता है जो दूसरों की मदद करता है। मैं आपको मेरे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा इस फाउंडेशन को लेके कोई और मकसद नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। इसलिए कि मैंने अपने घर में देखा है, मेरे वालदैन को देखा है कि मेरे घर से कोई खाली हाथ जाता नहीं था। मैं छोटा था तो उनको देखता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों ने किए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये ऊपर वाले का कमाल है। सिर्फ आप नीयत करें, सिर्फ आप नियत करें अच्छे काम की, आप यकीन करें खुद बखुद अल्लाह आपसे कराएगा। बात अंदर की है, अंदर के इंसान, अंदर का जो जिस्म ज़मीर कहते हैं उसको ज़िंदा रखिएगा। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुस्ताखियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, फरिश्ते हैं नहीं।
तो अंदर का जो इंसान है, अगर कोई गलत काम हो तो अंदर के इंसान के नहीं यार आपसे ये गलत हुआ है, आपने किसी के साथ ज्यादती की है, तो अंदर के इंसान को पता होना चाहिए कि नहीं यार ये ज्यादती की है मैंने किसी के साथ। अंदर की जमीर को, अंदर के इंसान को कभी मरने ना देना। इंशाल्लाह ताला आप लोग उस मंजिल पे पहुंचेंगे जिस चीज के लिए आप मेहनत करेंगे और जिस चीज का आप लोग ख्वाब देखेंगे या आपकी फैमिली ने ख्वाब देखा हुआ है आप लोगों के लिए। अपना वक्त जाया ना कीजिएगा प्लीज, ये बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का, बहुत कीमती टाइम है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरफ अब हमारे ऐसे बहुत सारे रिमोट एरिया से गांव है जहां वाईफाई पहले पहुंच गया, एजुकेशन का कुछ नहीं पता, स्कूल्स है ही नहीं, पता ही नहीं है वहां पे। तो मैं इस मकसद के हम लोगों ने हॉस्पिटल के हवाले से, साफ पानी के हवाले से बहुत काम किए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे दिल के काफी करीब है, ये मैं भी बेटियों वाला हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ये बेटियां पढ़े लिखे, इसलिए कि औरत माशरे को चलाती है, मर्द नहीं चलाता। हमारी बेटियां हमारी बहनें पढ़ेंगी तो माशरा चलेगा, ये मुल्क तरक्की और कामयाबी करेगा। तो प्लीज अपनी बहनों को बेटियों को एजुकेशन की तरफ हम लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह, हमारा प्लान है। मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मैं चाहता हूं। और एक और बात बताऊं, मुझे आज इतनी खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी का, आप लोगों की यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नाम सुनते हुए आ रहे हैं शुरू से, और यकीन माने कि मैं इतना खुश हूं कि आज इस जगह इस इंस्टीट्यूशन में हूं जहां से पाकिस्तान के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम, कितने बिजनेसमैन और सियासतदान इवन के हो जो भी हो, उन लोगों ने बहुत या इस इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज 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 इस मौके को मिस ना कीजिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ओके लाला, थैंक यू वेरी मच, आप बात भी कर रहे हैं और आपका ये फेवरेट हिस्सा है कि आप हमेशा कहते हैं जब भी मैं यूथ से इंटरेक्ट करूं तो यूथ से सवालात होने चाहिए। बिल्कुल, सवालात हमने नहीं पूछने हैं, यूथ ने पूछने हैं। तो जैसा कैसा सवाल है, पहला सवाल आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि जब भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे दूसरी शादी के बारे में पूछा जाता है तो आपके दिल से बड़ी आह निकलती है, मैं जानना चाहता हूँ कि उस आग के पीछे क्या चीज है, क्या सवाल है? ये आह ही है, आग के पीछे वाह है। मैं जवाब दे नहीं सकता, काफी सारे कैमरे वैमरे चल रहे हैं, कल तक वीडियो पहुंच जाएगी। तो बेहतर ये कि समझ जाओ आग को। तुमने पहले शादी हो गई है तुम्हारी? नो सर, अभी तो उम्मीदवार हैं। तुम कह बता देता हूँ, पहले से ना शुरू करना, शुरू ही दो से करना। ओके जी, दूसरा सवाल जी। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे जो आप लोगों ने दे दी है, जो इज्जत दे दी है, हकीकत में मुझे पीसीबी की फेयरवेल की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके जी, यहाँ से सवाल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था। किसने सवाल किया था? यहाँ से एक सवाल आया था, इंटरेस्टिंग सवाल था। आपका सवाल जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ये माइक दें आपको, माइक दें। अच्छा, पाकिस्तान टीम से मैंने रिटायरमेंट दी है लेकिन मैंने लीग क्रिकेट वगैरह बांग्लादेश लीग या T10 वगैरह खेल रहा हूँ, अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, PSL खेलूंगा इंशाल्लाह, तो क्रिकेट से दूर नहीं हो सकता है, सिर्फ पैशनेट अबाउट क्रिकेट और मैं खेलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, खेलना चाहता हूँ जब तक छक्के चौके। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जितनी भी आपकी एजुकेशन प्रमोशन हो रही है यहाँ पे, अभी इन्होंने बताया है कि कराची में कैंपिंग की गई है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए वी एड्स वगैरह और उनको व्हील चेयर दिए गए, तो इसमें एजुकेशन का प्ले कहाँ पे, उनके फ्यूचर को भी तो मोटिवेट किया जाए। दोबारा कहिएगा प्लीज जरा, कि इनके कहने का मतलब है जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में?
इस मैंने जिस तरह आपको कहा कि स्कूल के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई एक नहीं है। हम चाह रहे हैं पहले कि वो बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं, क्या उन्हें ऐसी तालीम मिल रही है, क्या वो ऐसे टीचर्स के अंडर हैं जो कि केपेबल हों उनको उनका फ्यूचर सेव करने में। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप स्पेशल बच्चों के हवाले से बात करें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस हवाले से, तो अच्छी बात है, मिलके काम होगा इंशाल्लाह और करते रहेंगे, पर ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं लाला को वेलकम कहता हूँ, और इसके बाद मैं पश्तो में आपको बखैर रखने और सवाल मेरे ये है कि आपको बेहतर जानते हो कि बलूचिस्तान में जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, 20-20 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल है, और जो आपने ये फाउंडेशन यहाँ पे आपने खुला वो किया हुआ है, लेकिन आप बलूचिस्तान में इस फाउंडेशन को क्यों नहीं बोलते हो, ये मेरे सवाल है। तुम्हारा उर्दू में भी पश्तो ग्रामर ठीक है। वैसे तो पठान जो पश्तो होते हैं वो गुलाबी होते हैं, साला गुलाबी हो, हाँ गुलाबी पश्तो, तुम भी गुलाबी हो, माइक माइक दे लो। अरे ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बलूचिस्तान को काफ़ी गवर्नमेंट्स में अगर मैं देखा जाऊँ तो बड़ा इग्नोर किया है वहाँ के लोगों के लिए, क्या सर्कमस्टांसेस थे मुझे इस पर बात नहीं करनी, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम बलूचिस्तान भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी लाला, एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो उसने पहले मुझे बता दिया तो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक कुछ ज़्यादा सादा सवाल है आपसे, क्या मैं आने वाले दिनों में आपको 10-15-20 साल में नया वज़ीर-ए-आज़म देख सकता हूँ? अच्छा एक बात मैं बताऊँ, ये जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सियाँ नहीं है, ये दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, इतने मसले मसाइल हैं इस कुर्सी पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक मेरे लिए सियासतदान का काम क्या है, आवाम की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन के थ्रू ये खिदमत अल्लाह मुझसे ले रहे हैं। जी 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 क्यों जाएं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बचपन से देखते आ रही हूँ, तो मेरी इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं है अभी तक, आप ज्ञान और इतनी ब्यूटी है तो उस ब्यूटी का राज ये आपने जो चश्मे पहने ही है। ओके लाला, सवालात तो बहुत हैं, ले एक एक दो सवाल जो पीछे बच्चे नहीं बैठे, ओके जो पीछे बच्चे बैठे उनसे सवाल, ये और पीछे भी जो वो बच्चियां बैठी हुई हैं उनसे सवाल किया जाएगा। जरा रास्ता दे दे मेरे भाई जल्दी। ओके जी सवाल करें जी, सवाल सवाल बच्चियों की टीमें हैं ये, जनूबी और ज़िक्रीन स्ट्राइकर ये फाइनलिस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वुमेन लीग एक चल रही है, ये उसकी फाइनलिस्ट बच्ची, आपसे मैंने मुलाकात भी करवा दी, तो ये वो दो टीमें बैठी हैं, ये फाइनलिस्ट हैं वुमेन लीग की। वालेकुम सलाम लाला, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जैसे कश्मीर के हालात चल रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी दिल से बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं उनके लिए, तो हम ये मतलब कि आपसे ये सुनना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म या आप इस तरह की हमारे पाकिस्तान में आप लोग तालीम होगी हर बेटी के नाम, मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह के फाउंडेशंस हो रहे हैं तो उसी तरह कश्मीर के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं? बेटा जान पहले ये बताएं कि आपके हाथ पे क्या हुआ है, कहाँ पे इंजर्ड हो गए आप? अच्छा चले ठीक है, माइक चला गया आपसे। कश्मीर के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्पीच की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग स्पीच की है उन्होंने, उन्होंने पाकिस्तान का बताया, पाकिस्तानी अवाम का बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुसलमान क्या होता है वो बताया, तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज किया है। क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर, जो भी हो रहा है जुल्म हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जुल्म के खिलाफ हम सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वो सब अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे इंशाल्लाह, वो चाहे पाकिस्तान के साथ रहना चाहे या खुद रहना चाहे वो उनकी अपना डिसीजन है, लेकिन हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि शुएब मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जब भी फॉरेन टूर्स पे खाना खाने बाहर जाते थे तो जब बिल की बारी आती थी शाहिद अफरीदी कहते थे मेरा वॉलेट रूम में रह गया है, इसमें कितनी हकीकत है? शाहिद अफरीदी पठान है
और पठानों की मेहमान नवाजी का तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो शेख मलिक का इंटरव्यू बताओ कि कहाँ पे दिए, कब दिए। वो मुजाकरा प्रोग्राम आता है, बड़ा फनी सा, उसमें वो आए थे तो वो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था वो शुएब अख्तर के बारे में भी बात कर रहे थे, सब क्रिएटर्स के बारे में, तो रूम के बारे में किस तरह का माहौल होता है, तो वो एक फनी कन्वर्सेशन थी, उसमें उन्होंने बताया था। वो मुजाकरा प्रोग्राम जिसमें चबले मारी जाती है वो चबली थी। ओके लाला, अब आपका एक और फेवरेट मरहला जिसमें आप सब स्टूडेंट्स के साथ सेल्फी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो आपके पेज से पोस्ट की जाती है। थोड़ा सा रास्ता दे दे मेरे भाई जिशान अफजल साहब, जिशान अफजल भाई वो वीडियो बनाएंगे और लाला वो पेज से पोस्ट करेंगे, तो कौन कौन है जो उस वीडियो में आना चाहता है? राजा, वो जो पीछे बच्चे बैठे हैं सारे, एक तो पहले आप जितने भी बच्चे हैं मेरे पास यहाँ नीचे आ जाएं और आप लोगों को गुड लक आपके फाइनल के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुश रहें, थैंक यू।